अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनाया सचित्र है और मैं एयर फ्लाइट में पढ़ती हूँ। देखिए, आजकल लॉकडाउन है तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको पढ़ा दूँ। मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊँगी, पर चैप्टर कंप्यूटर होगा और चैप्टर यूनिट नंबर 6 होगा। तो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। चैप्टर कंप्यूटर यूनिट नंबर 6। नोबडी नोज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। कोई भी नहीं जानता कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। दिस इज बिकॉज द वर्ड कंप्यूटर मीन्स अ पर्सन हु डिड मैथ्स एज हिज जॉब, अ ह्यूमन कंप्यूटर। देखिए, पहला कंप्यूटर एक इंसान था, मतलब एक ह्यूमन बीइंग एक कंप्यूटर है, उसका दिमाग एक कंप्यूटर होता है। बिकॉज ऑफ हिज सम पीपल से दैट ह्यूमन वर द फर्स्ट कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया कि पहला कंप्यूटर इंसान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहला कंप्यूटर इंसान है। ह्यूमन कंप्यूटर गॉट बूट डूइंग द सेम मैथ्स ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब अब आप एक काम दोबारा दोबारा और दोबारा करें तो आप बोर हो जाते हैं और आप वो कर नहीं पाते हैं। तो एंड मेड टूल्स, तो उसने कुछ टूल्स बनाए, लाइक अबेकस, उसका नाम अबेकस था, टू हेल्प देम गेट द आंसर्स टू देयर प्रॉब्लम्स। मतलब उनके उन्हें आंसर्स मिल सकें उनके प्रॉब्लम के। इट इज सेड दैट द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर वॉज चार्ल्स बेबेज। उसका नाम जो इन्वेंट किया था कंप्यूटर जिसने, उसका नाम चार्ल्स बेबेज है। चलें अब आगे पढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज एबल टू टेक इन्फॉर्मेशन कॉल्ड इनपुट। देखिए, अब मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसका नाम कंप्यूटर है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन लेती है इनपुट से, मतलब आप उस पर क्वेश्चन लिखते हैं तो वो इनपुट होता है। टू डू सम वर्क ऑन टू मेक न्यू इन्फॉर्मेशन कॉल्ड आउटपुट। देखें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इनपुट की। इनपुट में मैं डालती हूँ क्वेश्चन, चलें 4 + 4, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे मिलता है यहाँ से, मतलब आउटपुट से, कि 4 + 4 = 8 होता है, ठीक है। 4 + 4 = 8 होता है, तो मुझे यहाँ से आंसर मिलता है आउटपुट से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कंप्यूटर्स हैव एग्जिस्ट फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब ये कंप्यूटर अभी अभी नहीं आया, ये कंप्यूटर पहले से चल रहा था। ये कंप्यूटर तारीख है, इसकी भी एक तारीख है, इसकी भी हिस्ट्री है। देखिए, अब सब एक चीज़ की हिस्ट्री होती है, ह्यूमंस की भी हिस्ट्री होती है, तो इस मशीन की भी एक हिस्ट्री है। एग्जाम्पल्स ऑफ अर्लियर कंप्यूटर आर द एस्ट्रोलैब एंड द अबेकस। तो इसकी मिसाल है एस्ट्रोलैब और अबेकस। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी था, तो अब हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आया हो। आज मैं ना कुकिंग की वीडियो बना रही हूँ और ना मैं आज कोई एक्टिविटी कर रही हूँ। आज मैंने आपके लिए पढ़ाई के किया था, क्योंकि पढ़ाई भी इस तरह की चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और लॉरिए इंटरनेशनल स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।